नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी एक वक्त पर इंडस्ट्री छोड़ने वाली थी। फिल्म परवरिश की शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वह काफ़ी निराश हो गई थी। दरअसल फिल्म में डांस रिहर्सल के दौरान कोरियोग्राफर कमल मास्टर ने उन्हें जूनियर्स के सामने जलील कर दिया था। शबाना को यह बात इतनी बुरी लगी कि वह जैसे तैसे वहां से भागने लगी थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर शबाना फिर से काम करने को तैयार हुई। शबाना आजमी ने कई साल बाद राखी और रानी की प्रेम कहानी से बड़े पर्दे पर वापसी की है। जाहिर है कि वे फिल्म के प्रमोशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने एक अनकही बात से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैंने कोरियोग्राफर कमल मास्टर से कहा कि वे पहले मुझे रिहर्सल करा दें। उन्होंने कहा कि रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ताली बजानी है। हालांकि जब मैं सेट पर गई तो देखा कि वहाँ तो अच्छा खासा डांस करना है। मैं काफ़ी डर गई क्योंकि मैं नीतू सिंह के साथ खड़ी थी। मैं अभी सोच रही थी कि दायां पैर और बायां पैर कहाँ रखूँ। उससे पहले नीतू सिंह दो रिहर्सल कर चुकी थी। शबाना ने आगे कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैंने कमल जी से बोला कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या इसे हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लाइट ऑफ कर दो। अब शबाना आजमी जी कमल मास्टर को सिखाएंगी कि डांस कैसे करना है। वहाँ पर काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। इतना बुरा लगा कि सेट से भागने लगी। यह तक नहीं देखा कि कपड़े क्या पहने हैं। बाहर गई तो मेरी कार नहीं दिख रही थी। मैं नंगे पांव ही जूहू में अपने घर की तरफ जाने लगी। मैं रोते हुए अपने आप से कह रही थी कि अब मुझे किसी फिल्म में काम नहीं करना है। शबाना ने कहा कि बाद में फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई आए और उन्हें गले लगाया। उन्होंने सॉरी भी कहा। प्रोड्यूसर ने भी उन्हें शांत कराया। अगले दिन नीतू सिंह ने भी शबाना से इस बारे में पूछा था। वो सुलक्षणा पंडित थी जिन्होंने शबाना को काफ़ी समझाया था। उन्होंने शबाना से कहा कि फिल्म में उनकी ज़रूरत किसी कोरियोग्राफर से कहीं ज़्यादा है। सुलक्षणा के इन शब्दों से शबाना को काफ़ी ऊर्जा मिली। शबाना ने कहा कि वे इसके लिए सुलक्षणा की हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।